वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग रेखा गोगिया ब्लॉग। आज मैं आपको बहुत अच्छा फेशियल बता रही हूँ जो 15 मिनट में आपकी स्किन से डेड स्किन पोर्स जो बंद हो चुके होते हैं और जो पिगमेंटेशन होती है उन सब को दूर करेगा 15 मिनट में, और आपकी जो स्किन में एजिंग साइंस आ चुका है उसको ख़त्म करता है और ये स्किन को इतना ज़्यादा ग्लो करता है कि आपके डार्क सर्कल डेड स्किन सब को ख़त्म करता है। और ये घर में आपके जो चीज़ें होती हैं उन्हीं से ही ये स्किन को ग्लो और वाइटनिंग देता है। मैंने लिया है दूध, दूध के अंदर चिल्ड दूध होना चाहिए जिसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड होता है, पर मैंने एक चम्मच ली है सूजी जो डेड स्किन को बाहर निकालने में मदद करता है, और एक चम्मच लिया है मैंने कॉफ़ी, इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड होता है जो दाग धब्बों को दूर करता है, और आधा चम्मच लिया है मैंने बेसन, बेसन आधा ये डेड सेल को निकालता है, और एक चम्मच लिया है मैंने टमाटर का, एक चम्मच लिया है मैंने टमाटर का रस जो ब्लीचिंग का काम करता है और जो स्किन को ग्लो देता है। ये मैंने 5 इन चीज़ें ली हैं, और चिल्ड ये दूध लिया है, मैंने आपको पहले ही बताया है दूध हमारे फेस पे ग्लो लाता है, टमाटर हमारे दाग धब्बों को दूर करता है। तो चलिए हम ये चिल्ड दूध, चिल्ड होना चाहिए और रॉ दूध होना चाहिए, ये 4 चम्मच दूध लेंगे, चिल्ड दूध है 4 चम्मच, और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे आपको ये टमाटर का जूस जो हमारे फेस के अंदर जो दाग धब्बे होते हैं उसको निकालने में और हमारी स्किन को क्लीनेस और ग्लो देने में मदद करता है, और बेसन अब हम डालेंगे आधा चम्मच बेसन, बेसन डेड सेल को निकालता है, और ये बहुत अच्छे से जितने भी दाग धब्बे पिगमेंट्स और धूप में हम जो चलते हैं वो उसको ख़त्म करता है। और अब मैं डालूँगी आधा चम्मच कॉफ़ी, ये हमारे फेस पे डार्क सर्कल और ऑक्सीजन को वो करता है, यंग दिखाता है और फेस को ग्लो करता है। और अब मैं डालूँगी ये सूजी आधा चम्मच जो हमारे फेस के ऊपर जितने भी हम जब मसाज करते हैं स्क्रबिंग करते हैं सूजी के साथ ये दबी हुई डेड स्किन के जो परत होता है उसको निकालता है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स करके अब हम इसको फेस के ऊपर लगाते हैं। चलिए लगाती हूँ मैं फेस पे, आपको दिखाती हूँ कि मैं फेस पे कैसे लगाऊंगी। मैं पहले मैं लूँगी रॉ मिल्क जिससे हमने फेस को साफ़ करूँगी, मैं ये रॉ मिल्क लेके इसे कॉटन में भिगो के इसे अच्छे से जो हमने रात की जो हमारी डेड स्किन है जो हमने पॉल्यूशन वगैरह जो फेस के ऊपर आ जाता है उसको हम इससे क्लीन करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है दूध के अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो हमारी स्किन के अंदर जो परत जो डेड स्किन की परत और जो पोल्यूशन की परत जमी होती है उसको निकालता है। तो हमें वैसे भी नॉर्मल डेज में भी अगर हम रॉ मिल्क से अपने कॉटन लेके फेस को साफ़ करते हैं तो जो हमारी जो परत जमी हुई होती है उसको ये साफ़ कर देता है। तो देखिए ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने पहले फेस को साफ़ करा है रॉ मिल्क से। मैं ये जो मैंने ये पैक बनाया है 5 चीज़ों से, दूध से और कच्चे दूध से, कॉफ़ी से, बेसन से, सूजी से और टमाटर के जूस से, अब मैं इसे फेस पे अच्छे से, आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, मैं इसे हाथ से लगा रही हूँ क्योंकि मुझे हाथ से इसे फेशियल की मसाज भी करनी है। तो आप इसे अच्छे से नेक से लेकर, ये देखिए पहले नेक पे और फेस के ऊपर, आँखों के आसपास, ये नाक के ऊपर अच्छे से इसे स्प्रेड कर लीजिए। ये देखिए ये मैं आप मैंने बोला है आप ब्रश से भी कर सकते हो, लेकिन जब हाथ गंदे होने ही हैं तो क्यों ना मैं हाथ से ही पहले कर लूँ कि मुझे मसाज करनी है। तो अब मैंने ये पूरा अच्छे से पूरी तरह से फेस पे अच्छे से लगा दूँगी, और इसे अब मैं 15 मिनट तक इसे मसाज करनी है। पहले मैं इसे 5 मिनट के लिए इसे थोड़ा सूखने के लिए छोड़ूंगी मैं। ये देखिए ये लग गया है, ये 5 मिनट बाद देखिए ये सूख गया है। अब हम इसकी मसाज करेंगे, नेक से स्टार्ट करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ ताकि हमारी स्किन लूज ना हो, क्योंकि जो हम डायरेक्शन में करेंगे वैसे ही स्किन की वो जाएगा। हमें इसको स्ट्रेच करना है, अपने फेस को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाना है, और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये डायरेक्शन ऐसी ही होनी चाहिए, नीचे से ऊपर स्ट्रेच होनी चाहिए।
और ये देखिए नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर से, आप अपने मुंह में 10 बारी रिपीट करते जाइए कि 10 बारी मुझे ये नेक से करनी है, ठुड्डी से करनी है, गालों से करनी है, नेक से, नोज़ से करनी है, ये नोज़ के ये जितने भी मैं आपको ये बता रही हूँ फेशियल के, उसे ऐसे ही इसी तरीके से कीजिए। ये देखिए नाक के ऊपर, क्योंकि नाक के ऊपर हमारे ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसे भी हमने जो सूजी ली है वो हमारी डेड स्किन की परत को निकालेगी, उसे जितना हम रब करेंगे वो हमारी दबी हुई स्किन को लॉन्गर लेयर को बाहर निकालेगी लॉन्ग टाइम तक के लिए, जो लेयर हमारी डेड स्किन के ऊपर जम जाती है सूजी को लगाने से, उसे रब करने से ये लेयर बाहर निकलती है। और हमारी स्किन का जो कलर है, आप खुद चेक करना कि अगर हमारी स्किन अगर सांवली हो रही है तो वो ग्लो की तरफ, कलर फेयरनेस की तरफ जाने लग जाएगी, अगर हम इसे 15 मिनट दिन में एक बार करेंगे, और 15 मिनट करेंगे ये 15 दिन में, आप ये माइंड में रख कर चलिए 15 दिन में एक बार करेंगे। अब ये मैं माथे के में ये स्ट्रेच कर रही हूँ, क्योंकि हमें फेस का पूरा जितने भी हैं उसके ये स्टेप करने हैं, स्टेप बाय स्टेप करने हैं, कि हमें नेक से, ठुड्डी से, गालों से, नोज से, आईज से, हमें पूरा ये स्ट्रेच नीचे से लेकर ऊपर तक लेके जाना है। ये देखिए हम इसे अच्छे से स्ट्रेच करते रहेंगे। ये जो मैंने आपको ये चीज़ें जो घर के अंदर ही जो चीज़ें हैं उसके उसमें बताया, उसका एक एक का अपना अलग अलग इफ़ेक्ट है जो फेस के ऊपर पड़ता है, जो हमारी हम भूल चुके होते हैं कि हमें हमारी स्किन ग्लो थी, यंग थे, लेकिन हम ये जो मैं आपको पैक बता रही हूँ, जो ये फेशियल बता रही हूँ, इससे जेंट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि ये स्किन सबकी डेड स्किन, आजकल बाहर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, सबके फेस के ऊपर डेड स्किन की परत जम जाती है, तो इसे सब लगा सकते हैं। और ये 25 साल से ऊपर के, क्योंकि हमें हम इसका फेशियल कर रहे हैं, बच्चों को ये नहीं लगाना, क्योंकि बच्चों का फेशियल अच्छा नहीं होता, क्योंकि स्टेप जो होते हैं उससे स्किन बच्चों की लूज़ होने का डर रहता है। ये सिर्फ 25 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं वो लोग कर सकते हैं। और ये देखिए जितने भी मैं आपको ये स्टेप बता रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप अपने फेस का ऐसे मसाज करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट आएगा। ये देखिए आईज़ के पर, हाँ, का आजकल कंप्यूटर पे काम करते हैं, फ़ोन पे काम करते हैं, आईज़ पे इतना इफ़ेक्ट पड़ता है, डार्क सर्कल इतने ज़्यादा आ जाते हैं, तो इसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये देखिए ये मैं तीन बारी आपको ये स्टेप करने हैं, 10-10 बार करने हैं, आपको अपने मुँह में काउंट करते रहना है कि मैंने ये कितने, ये मैं आपको 3-3 बार करके दिखा रही हूँ। ये देखिए ये ठुड्डी के नीचे ये सारे यहाँ पे डार्क वो होते हैं, ब्लैक हेड्स वगैरह होते हैं, और ये अगर आप चाहें तो जब हम ये फेशियल, क्योंकि ये दूध हमने डाला है तो इसके अंदर फेस के अंदर चिकनाहट भी आ जाती है, तो आप ये ब्लैक हेड्स आराम से नोज़ से, आपने ठुड्डीज पे सब से आप ब्लैक हेड्स निकाल सकते हैं। ब्लैक हेड्स रिमूवर अगर आपके पास है तो आप उसे अच्छे से निकाल सकते हैं। ये देखिए ये मैंने आपको 3-3 बार स्टेप करके दिखा दिए हैं, कि मैंने हाथों पर भी लगा दिया है और हाथों को भी स्क्रब कर दिया ताकि हाथ भी साफ़ हो जाएं, और मैं रॉक मिल्क से इसे जो सूख गया है फेस तो उसे साफ़ कर रही हूँ मैं। इसके बाद इसे टॉवल से साफ़ करके, और हाथ, ये देखिए टॉवल से हाथ भी साफ़ हो गए और फेस भी। अब मैं इसे वार्म वाटर से धो के आगे वॉश करने के बाद, देखिए मेरा फेस, देखिए ये मैंने वॉश किया है वार्म। आपको मेरा फेशियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ये चैनल, ये वाला ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।